ठीक से खड़ा रहे। वजन 68। सर मैं करीम नगर में रहता हूँ और वहाँ के एमएलए ने आपके लिए ये लेटर दिया है। नेक्स्ट। कमर 42 और हाइट 5'8". मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर हेलो। हाँ जी सर मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया उसका? साइड हो जा। अबे हट ना। नहीं सर आपको नहीं। यहाँ मुकेश आनंद कौन है? मैं हूँ सर। हाँ है सर। तुम तो मंत्री जी के क्या लगते हो? उनका भांजा हूँ सर। ओके सर मैं देख लूंगा जाओ। थैंक यू सर। नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार सर। ये सब क्या है? स्कूल कॉलेज से मिले एजुकेशन और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं सर। कोई सिफारिश है? नहीं सर। कुछ खिलाना पिलाना? ऐसा कुछ भी नहीं सर। तो किसके भरोसे पर यहाँ आए हो? जिसे अपने आप पर भरोसा हो उसे सिफारिश की जरूरत नहीं। मुझ में काबिलियत है और हिम्मत भी। उधर जाओ। कहा ना उधर जाकर खड़े हो जाओ। अबे ठीक से खड़ा रहे। गर्दन ऊपर कर। हाइट वेट सब अपने पास है लेकिन जो वेट इन्हें चाहिए वो अपने पास नहीं है। जो सिफारिश से आए उनका क्या करना है? बाहर का रास्ता दिखा दो उन्हें। और इन्हें? ग्राउंड में आने दो। और इन फाइल्स का क्या करूं? इन्हें घासलेट डालकर जला दो। सर थैंक यू सो मच। आपका बहुत एहसान है सर। नहीं 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 इसमें एहसान वहसान वाली कोई बात नहीं है। तुम सब काबिल हो इसलिए तुम्हें चुना गया है और जो लोग यहाँ पर मंत्रियों की सिफारिश लेकर आए थे उन सबको बाहर कर दिया गया है। जो भी घूस देकर पुलिस में भर्ती होता है वो आगे चलकर घूस ही लेता है। ये बात पक्की है। गुंडों और मंत्रियों का काले धंधे में साथ देता है ना। पुलिस वालों को अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए। राइट सर। खुशी की बात है कि तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया और हिम्मत से जवाब दिया। इसके लिए जिगर चाहिए। शुक्रिया। आगे रिटर्न टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। विश यू ऑल द बेस्ट। श्योर। अपवित्र रिश्ता। ये तो चुराया हुआ लगता है। नमस्ते। बिन बुलाए इतना अमीर आदमी हमारे ऑफिस में? इन दो गधों ने मुझे बिना बताए इससे उधार तो नहीं ले लिया था। आइए आइए ना। नमस्ते। मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर हूँ। हाँ तो बैठ के प्रोड्यूस कीजिए। हाँ। हेलो। उधार मांगते समय तो रो रहा था अब चुकाएगा कब? ओके। ए इंग्लिश मत फाड़। हाँ हाँ। पैसा दे वरना पुंगी बजा दूंगी। पैसा इन्वेस्ट करना चाहते? मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप मेरे गधे मतलब जूनियर से बात की। अगले साल फोन कीजिएगा। पीजिए ठंडी ठंडी मसाला चाय। कौन था वो? छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स कॉल करते रहते हैं। बताइए। मुझे आपसे एक सीरियल लिखवाना है। वही तो काम है। लेकिन उस सीरियल में काफी उतार चढ़ाव होने चाहिए। ठीक है सर शेयर मार्केट पर लिख देता हूँ मैं। कहानी क्या है? एक लड़की की कहानी है उसके बच्चे के बच्चे हो जाए ये सीरियल तब तक चलना चाहिए। अच्छा वो घिसा पिटा सास बहू वाला सीरियल लिखवाना चाहते हैं? वो भी लिख दूंगा सर। महादेव एक धासु मेगा सीरियल लिखने का यही सही वक्त है। पेपर उठा और छाप दे। अरे मैंने तो टाइटल भी लिखा हुआ है। बर्तन बजेंगे टन टन सास बहू की होगी अनबन पति भाग जाएगा लंदन। ठीक है ना? मुझे कम से कम 1000 एपिसोड्स चाहिए। 1000 एपिसोड लिखने? एक एपिसोड का 5000 हुआ तो फिर 1000 एपिसोड के 50000 हुए। सुकड़े पहलवान गणित कहां से सीख के? 50 लाख रुपए मिलेंगे। लिख दूंगा सर। लेकिन एक कंडीशन है। ये लेडी सेंटीमेंट पर ही होना चाहिए। लेडी सेंटिमेंट? ओके ओके 1000 एपिसोड आज शाम तक लिख कर दे दूंगा। चलेगा? नहीं 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 पहले 4 एपिसोड लिख के दो। अगर अच्छे लगे बाकी की बात फिर बाद में करेंगे। ये रखो मेरा कार्ड। 20000 चलेगा। पर मेरी प्लॉट लाइन को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ठीक है सर बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे औरतों के दिल में झांकना होगा। लेकिन तू झांकेगा कहाँ पे? औरतें अपना पैसा छुपा के कहाँ रखती है? अपने दिल के पास ना। अब उसी दिल के बिल में झांक कर अपने 50 लाख निकालूंगा। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हेलो हु इज द स्पीकिंग? मैं एनटीवी से बात कर रही हूँ। What the matter? कान में उंगली की आगे की स्टोरी चाहिए। कान में उंगली वालों का फोन है। आगे स्टोरी क्या होगी? पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में क्या हुआ? पिछले एपिसोड का आखिरी सीन क्या था? सुमित्रा किचन में दाल बनाने गई है। सुमित्रा किचन में दाल बना रही है? अच्छा ऐसा। इस हफ्ते वो दाल में तड़का लगाते हुए सब्जी काट रही है और फोन बजता है एपिसोड खत्म। तड़का मारते ही फोन बजने लगता है। बजते बजते ही एपिसोड खत्म। और अगले हफ्ते का? अगले हफ्ते क्या करना है राइटर साहब से पूछ लो। अगले हफ्ते सुमित्रा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। अपनी सास की बुराई कर रही होती है। सास पीछे से आके उसे गोली मार देती है। सुमित्रा खत्म। आपका सीरियल भी खत्म। और अब से मैं आपका चिंदी बजट नहीं मेगा बजट वाला सीरियल लिखने वाला हूँ।
कोई ऊपर आ रहा है, दारू छुपा। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। अरे तू क्यों ऐसा करती है? पापा आ रहा है सोच के सब छुपा दिया। मैं तुम लोगों को कुछ बताने के लिए और दिखाने के लिए कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम लोग यहाँ बैठे हो। ये नाम तो ओल्ड है लेकिन न्यू क्यों लग रहा है? नाम ओल्ड है, बोतल नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो चुप करना यार, क्यों आई तू? ये देखो, एक खींच मत फट जाएगी। ए शालिनी, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस फोटो दिखाने से तेरा बॉयफ्रेंड लग रहा है। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी? ए दला, मेरे को एक डाउट है, तो इन दोनों में से किसको प्यार करती है? इस गधे को चढ़ गई है, इसे घर भेजो। मैरिज ब्यूरो से फोटो आई है, तो सोचा कि पहले तुम लोगों को ये दिखा देती हूँ। अरे हमारी छोड़, तुझे लड़का पसंद है क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो फिर लड़का मुझे भी पसंद है प्यारे भैया। सॉरी, ये अचानक आज इतना मस्का क्यों लगा रही है? कुछ नहीं। सर पैसे देने के बाद भी मेरी फाइल अटकी हुई है। अरे आप समझते क्यों नहीं है, इतने कम पैसों में काम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? और 10,000 रूपए दीजिए तभी फाइल आगे बढ़ाऊंगा। इतने सारे पैसे? तो आप क्या समझते हैं, सरकारी ऑफिस में बिना पैसे दिए ही काम हो जाएगा? जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। सर रूल्स के हिसाब से तो मुझे पेंशन के पैसे मिल जाने चाहिए थे ना। अच्छा तो रूल्स की बात करते हो, ठीक है जाओ 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 जाओ। अगर रूल्स की तुमको इतनी ही पड़ी है तो उसके मुताबिक काम करवा लो। आप मुझे रूल्स मत सिखाइए। ओ आप यहाँ है, मेरा हो गया। सर जी आपकी फाइल घर पे भेज दी है। अच्छा अच्छा। सर अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, आपके कहे पैसे दूंगा तो पेंशन मिल जाएगी। अब आपके समझ में आई मेरी बात? बड़े कानून की बात कर रहे थे क्यों जी? 40 साल से आप स्कूल के अध्यापक रह चुके हैं, देश किस तरह से चलता है ये भी मैं ही आपको सिखाऊं हैं? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। वो क्या बकवास कर रहे? अध्यापक जी, जी घर का पता तो आपको मालूम है ना? जी पता है। तो ठीक से पहुँचा दीजिएगा। जी ठीक है। क्या पहुँचाना है? रिश्वत के लिए और पैसे मांग रहे हैं, वो भी मुझे उनके घर जाकर देने पड़ेंगे। अरविंद है? क्या कहा? पूछ रहा है तेरा हस्बैंड कहाँ है। वो रहा मशीन पे पहाड़ चढ़ रहा है। ए जी आपको कोई मिलने आया है? कौन है? सुरेंद्र मास्टर जी का बेटा। ओ उनके बेटे हो क्या? आओ आओ आओ, पैसे लाए हो ना? इसलिए? किस लिए? तुम्हारे पिताजी को पेंशन की फाइल मूव करानी है इसलिए। ये तो आपकी ड्यूटी है, इसी के लिए तो सरकार आपको तनख्वाह देती है। काहे की तनख्वाह? मैं सिर्फ तनख्वाह के भरोसे बैठा रहता तो शेविंग की ब्लेड खरीदने के लिए भी अपनी बीवी के साथ बैठकर बजट बनाना पड़ता। खाली हाथ आके जान खा रहे हैं। ए, इस टीवी का क्या दाम है जानते हो तुम? जानते हो इसे मैं सबसे पहले खरीदा था। इसमें टीवी शो से ज्यादा एड्स आते हैं। ये सोफा देखो, वो डाइनिंग टेबल देखो, ये सब खरीदने के लिए तो मैं पैसे लेता हूँ। ये देखो ये VCD कितना महंगा पता है? ये सब तो कुछ भी नहीं, ये डाइनिंग टेबल देखो। इसके ऊपर जो ग्लास है वो बेल्जियम ग्लास है, 1,00,000 रुपए का। ये सब मैं अपनी छोटी सी तनख्वाह में खरीद सकता हूँ क्या? ये चमकता झूमर देखो, पता भी है इसका दाम क्या है? 60,000। बीबी को पसंद था इसलिए मैंने खरीद कर ले आया। देखो कितना आलीशान है। अरे ये क्या करा, ये क्या करा? अरे अरे सब तोड़ो, खुद ही देखो। गरीबों से रिश्वत ले लेके बेल्जियम क्लास पे खाना खाता। नहीं 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 नहीं, ए भोली से क्या हुआ? नहीं तोड़ो? नहीं नहीं छोड़ दो। ये सत्यनारायण, अरे खड़े क्या है, पुलिस को बुलाइए। आने दो पुलिस को। इससे पहले कि पुलिस मुझसे पूछे कि मैंने ये सब क्यों तोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तूने कौन से स्कैम करके ये सब खरीदा। बेटा उसके बाद तेरा क्या हशर होगा ये तो तुझे हर्षद मेहता की कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं 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 देखना है। नहीं देखना क्या? नहीं। तो फिर इस डब्बे की क्या जरूरत है? पर कह रहे सरकारी ऑफिस में अगर फाइल को मूव कराना है तो पैसे से नहीं, घूसे से काम। अरे अंदर ये चमक क्या रहा है? सोने का दांत है, कली लगवाया। अबे सोना हिफाजत से तिजोरी में रखा जाता है, ऐसे बदबूदार मुंह में नहीं। सर मैंने तो आपको पैसे दिए नहीं, फिर आप इतना कैश लेकर आ गए। सर जी अमाउंट रिसीव करके इस पर दस्तखत कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन सर अकाउंट में इतना ज्यादा कैश शो करना मुश्किल होगा। अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप दस्तखत कर दीजिए। ठीक है सर, जैसा आप कहें। नमस्ते। हम सब समझते हैं ये मेरा बेटा है, आप इसे पहले से जानते हैं। जानता हूँ, एक ही बार में पहचान गया इनको मैं। बड़ा 7 जन्मों तक भूलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या है ना पापा, आप सांप को दूध पिलाने वाले थे ना, देखिए मैंने उसकी जहरीली दाढ़ी निकाल दी। खरा सोना हरा सोना, इसके पास है काला सोना। जीते
अबे लुक्खागिरी मत करो यार, हम लोग पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है यार, जब बनेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इस भटकती आत्मा का क्या करें? टाइटल के लिए सही ट्यून नहीं मिल रही। क्लासिकल चाहिए या मॉडर्न? टाइटल ट्यून हिट होती है तो सीरियल भी हिट हो जाता है, टाइटल ट्यून ठुक गई तो सीरियल भी ठुक जाता है। कुछ सुनाओ। सिगरेट के लिए पैसा नहीं था, यहाँ तो दारू के पैसे आ गए, तो साक्षात लक्ष्मी है रे। अंकल ये 2 रुपए रख लो और मुझे एक गाना सुना दो, ये लो। आजा। अरे चलो आ जाओ, बस आ गई। घर भी है खाली, दिल भी है खाली, तुम आओगी क्या? अबे गधे, ये लेडीज के लिए स्पेशल बस है, और जिसे नैन मटका कर रहा है वो लेडी कांस्टेबल है। अरे वाह पुलिस वाली, तुम जैसे जवान लड़की क्या देखी, तू शुरू ही हो गया। तुझे तो नहीं हुआ, और तुमके साथ बदतमीजी करेगा तो यही सलूक होगा। बस रुको, ए लड़का गिर जाएगा पागल। अरे ओफो, आज बस फिर निकल गई। जब से उठी हूँ तब से दिन ही खराब चल रहा है, उठने में लेट हो गया इसलिए सब लेट हो गया। भाई साहब अगली बस कब आएगी? लोकल बस लड़की के दिल की तरह होता है, जब मर्जी आता है जब मर्जी चला जाता है, लेकिन लड़के की बैंड बजा के चला जाता है। ओफो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब तो दे नहीं रहे, मेरा 10:30 बजे इंटरव्यू है, ऊपर से बस भी निकल गई। एक काम करो, मेरे पीछे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट किए बिना फर्स्ट गियर डाल रहा है, वो भी बिना पेट्रोल के। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। वो मैं अनजान लड़की के पीछे कभी बाइक पर बैठी नहीं हूँ, और मैं जाती भी लेडीज बस से ही हूँ। अब बाइक में बैठूंगी तो स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, उस बात का फायदा उठाएंगे, आपकी और मेरी बॉडी टच होगी और आपको कुछ कुछ होगा। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? इन्हें मिर्गी की बीमारी। ऐसा करो बाइक से तुम जाओ, बस से मैं जाता हूँ। मुझे चलानी नहीं आती, इनकी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। चुप, तो फिर एक ही सलूशन है। क्या सलूशन?